आरोप थाना तीर मोहम्मद इमरान सन ऑफ अब्दुल रहमान शबीर अहमद सन ऑफ मोहम्मद अकबर आरओ सुरनकोट रफीना बेगम वाइफ ऑफ नील अहमद सन ऑफ अब्दुल अजीज आरओ बांडी कम्मा खां आरओ चक्रो मोहम्मद कबीर आरओ हम लोग जैसे कि आप सब जानते हैं यहाँ पे एक हमने यहाँ पे इकट्ठे हुए सारे हमारे पास आए दिन जैसे रोज के वाकई ये रहता ही है कि हर कोई आता है जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन लेके कि जना मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मेरा मोबाइल जो है वो गुम हो गया। उसके बाद वो जो एप्लीकेशन है हम लोग जो मिसिंग एप्लीकेशन होती है वो हम जो मोबाइल गुम हुआ होता है वो हम मार्क करते हैं अपने यहाँ पे हमारी टेक्निकल टीम जो हेड करते हैं मुनीसा। तो टेक्निकल बेसिस पे हम उस मोबाइल को कहाँ पे यूज़ हो रहा है कैसे है हम पूरा उसमें जो है वर्कआउट करके उस मोबाइल को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरीके से उसी कड़ी में हमारे पास यहाँ पे हमने आज कोई 50 मोबाइल जो हैं वो ट्रेस किए हैं जिसकी कुल मालियत तकरीबन कोई 8 लाख के करीब बनती है। तो ये हमारा जो ESU है हेडेड बाई DYSP ऑफ पुंछ मुनीर साहब, इन्होंने पूरा वर्कआउट किया, इनकी टीम इन्होंने काफ़ी मेहनत की इसमें। और इसमें मैं आपको ये बताऊं ये वो मोबाइल हैं जो कि मिस हुए, जो चोरी के मोबाइल होते हैं वो अगर हमने अभी जैसे पकड़ भी लिया है तो उनको हम डिफरेंट केसेस में जो कि चोरी वाली केसेस में उनको डालते हैं, बट ये वो हैं जो मिसप्लेस हुए हैं। तो जब ये फ़ोन हम लोग ट्रेस कर लेते हैं, इसको प्रॉपर एनालाइज करते हैं, हमारी ESU की टीम जो है उसको एनालाइज करती है कि ये कहीं किसी गलत हाथों में ना यूज़ हुआ हो, तो उसके बाद जो कि क्लियर हुए हैं तो वो मोबाइल जो है हमने उनको जो कंसर्न उसके जो मालिक है जिसका वो फ़ोन है वो हमने उनको वापस आज हैंड ओवर किया। लोग किस तरह हिदायत देंगे मोबाइल को? हाँ जी, मोबाइल को किस तरह हिदायत देंगे लोग जो इसमें? इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मोबाइल को एक तो है ये प्रॉपर केयर में रखें, कस्टडी में रखें, बिकॉज ये चीज़ जो है जिस किसी के भी गलत हाथों में पड़ सकती है, वो मिसयूज़ हो सकता है। अल्टीमेटली जब ये किसी ऐसे एंटी नेशनल के हाथ में पड़ गया तो ये फिर जो कंसर्न इसका मालिक है वो भी इसकी जद में आ सकता है। तो लिहाजा इसकी पूरी केयर करें। ये सब हुआ सारे।